तो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये है सुंदरम फिलिंग स्टेशन। दोस्तों यहाँ पे हुआ कुछ यूँ था कि मैंने एक दिन मारा था 10 तारीख को यहाँ पे कार्ड, और उसके बाद पैसा हो गया था मेरे अकाउंट से डिडक्ट, और इनका जो स्लिप निकलता है वो वहाँ पे आ गया था एरर। तो इन्होंने कहा कि आपका पैसा आपके अकाउंट में रिटर्न चले जाएगा। कुछ दिन मैंने इंतज़ार किया, 5 से 6 दिन, लेकिन पैसा अकाउंट में रिटर्न नहीं आया। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ इनके पास आता हूँ, 2-3 बार मैनेजर साहब मिलते नहीं हैं। आज दिन अच्छा था, शायद मेरा मैनेजर साहब मिले और उन्होंने बकायदा स्टेटमेंट देखा और उसमें मेरा पैसा आया हुआ था, तो उस पैसे का मैंने तेल डलाया। तो दोस्तों आज भरोसा है कि अगर आपका पैसा कहीं कट गया है, अगर अच्छे स्टेशन फिलिंग स्टेशन जैसे कि सुंदर फिलिंग स्टेशन था, ऐसे अगर आपको लोग मिलेंगे तो मज़ा आता है यार। अगर दोबारा शायद अगर मेरा ये 600 रुपये रिटर्न आज मुझे नहीं मिलता या कभी मिलता नहीं, तो मेरा एक ट्रस्ट टूट जाता कि पेट्रोल पंप से यार कि पैसे कट जाते हैं, बाद में प्रॉपर तरीके से जाँच नहीं करते। लेकिन तो सरदार जी थे इस सुंदर फिलिंग स्टेशन के, शायद ओनर थे, उन्होंने अच्छे तरीके से जांच की और जो मेरा पैसा बढ़ रहा था उन्होंने उस पैसे का मेरे गाड़ी में तेल डाल दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका। तो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द विलेज राइडर। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को चल रहा हूँ भीटी की तरफ। एक अच्छा सा सुल्तानपुर का हाईवे बना हुआ है, अकबरपुर टू सुल्तानपुर। तो दोस्तों मैं फिलहाल फैजाबाद वाले रोड पे इस गली से मैं टर्न लेके निकल जाता हूँ, तो मुझे पड़ेगा नज़दीक, नहीं तो मुझे क्राउड में से जाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ वो है तमसा मार्ग, और इसी मार्ग पे हैं बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस। ये है एसटी एक्सवेयर हाई स्कूल, ये है डॉक्टर अशोक स्मारक, ये भी उन्हीं का है डॉक्टर अशोक स्मारक। यह है सरस्वती विद्या मंदिर, ये है एसआर एकेडमी, SBJP ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट प्रशासनिक। यह है कुछ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, फिर यहाँ पे अशोक स्मारक PG कॉलेज, यहाँ पे ECI महिला महाविद्यालय, यानी काफ़ी स्कूल हैं यहाँ पे। और ये आपको दिख जाएगी तमसा नदी, पानी है अच्छा खासा, ठीक ठाक पानी लग रहा है यहाँ पे। इस नदी के वजह से ही इस रोड को, जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ, इसे तमसा मार्ग कहते हैं। दोस्तों इस तमसा मार्ग नदी के भी काफ़ी पुराने चर्चे हैं। इसी नदी के ऊपर है श्रवण क्षेत्र। श्रवण क्षेत्र के बारे में कुछ मान्यता इस तरीके से है कि मैं आपको सुनाता हूँ एक शॉर्ट सी कहानी, आपने सुनी होगी लेकिन फिर भी मैं आपको सुनाता हूँ। ये वही तमसा नदी है दोस्तों, जब श्रवण कुमार अपने दोनों अंधे माँ बाप को लेकर के चारों धाम की यात्रा पर निकले थे, तो वो क्या हुआ, उनके माँ बाप को प्यास लग गई और वो श्रवण कुमार इसी तमसा नदी के किनारे घड़ा लेके पानी भरने के लिए चल दिए। और यहाँ के राजा दशरथ, अयोध्या के राजा दशरथ, वो निकले हुए थे शिकार करने के लिए, और जब वो पानी भर रहे थे तो घड़े की आवाज़ सुनकर राजा दशरथ को ये लगा कि कोई जानवर, कोई हिरन पानी पी रहा है नदी के किनारे। तो उन्होंने क्या किया, एक शब्दभेदी बाण, मतलब एक ऐसा बाण होता है जो आवाज से सुनकर चलाई जाती है। दोस्तों ये भैंसे देखिए, सब काफी गर्मी पड़ रही है तो ये इस पानी में जा रहे हैं लोग धीरे धीरे कर करके। कहानी हो गई थोड़ी ब्रेक, मैं फिर से सुनाता हूँ। देखिए यहाँ पे सब जा रहे हैं। तो उन्होंने शब्दभेदी बाण का मतलब आपको बता दिया, मतलब
कि एक ऐसा बाण होता है जो आवाज को सुनकर बिना देखे हम लोग चला दें तो वो जाके एकदम सटीक निशाने पे लगती है। वहीं राजा दशरथ ने श्रवण कुमार के ऊपर चला दी और फिर श्रवण कुमार हो गए मूर्छित। तो दोस्तों ये वही तट है जहाँ पे श्रवण कुमार को राजा दशरथ ने मारा था। उनके अंधे माँ बाप के पास राजा दशरथ जाते हैं और कहानी बताते हैं कि मेरे साथ ऐसे ऐसे गलती हो गई, आपके बेटे को मेरे हाथों मृत्यु हो गई है। और फिर उनके अंधे माँ बाप उनको श्राप देते हैं कि जिस तरह मैं अपने पुत्र के वियोग में जा रहे हैं वैसी आप भी आप अपने पुत्र के वियोग में ही मरेंगे। और ठीक वैसे ही होता है दोस्तों। उसके बाद फिर रामायण की कहानी बहुत लंबी चौड़ी है। और उसी समय फिर उसके उनके श्रवण कुमार के माँ बाप जो थे अपना देह त्याग देते हैं और वो वहीं पे मृत्युशैया पे चले जाते हैं। तो यह है कुछ कहानी इस तमसन नदी की दोस्तों। और एक और कहानी है इस नदी की, वो अभी बता देता हूँ। कहानी कुछ यूँ है, ये शीशा मेरा हो गया खराब। कहानी की बात करते हैं दोस्तों। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम माता सीता अपने 14 वर्ष के वनवास के लिए अयोध्या से निकले तो उन्होंने जो पहले अपनी रात्रि विश्राम की थी, अब निकले हैं कहीं ना कहीं तो विश्राम करेंगे ही, वो इसी तमसा नदी के किनारे उन्होंने की थी। है एक्चुअली बात ये है दोस्तों कि ये जो फैजाबाद जिस मैं जगह पे रहता हूँ अकबरपुर, ये फैजाबाद का डिवीजन हुआ करता था। करीबन 1995 में सितंबर के महीने में मायावती की सरकार ने, बसपा की सरकार ने इसे अलग कर दिया और एक नया डिस्ट्रिक्ट जिला बना दिया अंबेडकर नगर। ये पहले फैजाबाद का ही पार्ट हुआ करता था। यानी कि पुरानी मान्यताओं के अनुसार अगर सोचा जाए तो वो अयोध्या जो था वो भगवान श्री राम का घर द्वार था, राजा दशरथ का मतलब सब कुछ था। और ये सब जो एरिया था, जो अकबरपुर का एरिया है, वो जंगल टाइप का था क्योंकि यहाँ पे लोग शिकार करने आते होंगे, तो कुछ इस टाइप का होगा, मतलब ऐसा मेरा दिल कहता है यहाँ पे रहने के बाद। दोस्तों ये अवध नगरी है। फाइनली दोस्तों मैंने यहाँ से खाया एक बिरयानी और एक रोल। तो बिरयानी आपको मैंने दिखाया लेकिन रोल दिखा नहीं पाया। ये भाई साहब ने बनाया था, ये देखिए, इन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया था, खाने में बहुत मज़ा आया और बहुत ही सस्ता था। 20 रुपये का मात्र था वो बिरयानी और 10 रुपये का रोल। तो फाइनली जो काम करना था वो काम हो गया है। ये वो मेडिकल था, अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ। बड़ा कीचड़ कीचड़ है यार, गाड़ी भी धोया और फिर कीचड़ में चला गया। बड़ा गुस्सा आता यार, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी से करता हूँ बड़ा प्रेम। ये देखिए कितना कीचड़ है यहाँ पे। चलिए थैंक यू गॉड, निकल गया मैं यहाँ से फिलहाल। तो फाइनली दोस्तों मैं पानी की बॉटल बिसलेरी ढूंढ रहा था इस मार्केट में और मुझे मिला नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपको लगता है ना कि आपको बिसलेरी की बॉटलें ये सब हर जगह मिल जाएंगी तो ये पॉसिबल नहीं है। और ये यार इतना खतरनाक, गाड़ी गंदा हो रहा है और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है।
प्यास बहुत जोर की लगी है, पानी की बोतल ढूंढ रहा था मिला नहीं। अब दोस्तों पानी की बोतल इसलिए ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मेरी चल रही दवाई, अगर मैंने बाहर का पानी पिया तो मैं हो जाऊँगा बीमार। तो इसके लिए बोतल है मेरे पास वो स्टील वाली, उसमें थोड़ा गर्म पानी था तो सोचा उसमें थोड़ा बिस्लेरी का पानी मिला के पीऊँगा, इससे तबीयत नहीं खराब होगी। क्या करूँ, ठीक है, कैसे बच्चे कुत्ते के साथ खेल रहे हैं। चाट वाले चाट, ये है ट्रैक्टर और इसके पीछे लगी है ट्रॉली, टाली टाली की ट्रॉली, पता नहीं क्या होता है। सामने दोस्तों अगर आप देख पा रहे हो तो ये बन रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। ये देखिए इस पे बच्चे खेल रहे हैं, ये बन रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बहुत लंबा एक्सप्रेस वे है। यहाँ पे अभी जहाँ तक मुझे पता है कि 3 एक्सप्रेस वे दो हैं ऑलरेडी, एक आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस वे है और एक है दिल्ली से आगरा, जिसे यमुना एक्सप्रेस वे बोलते हैं, और लखनऊ से आगरा वाले को लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बोलते हैं, और ये बन रहा है यमुना एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे। इसकी एक झलक मैं और आगे से भी आपको एक बार दिखाऊंगा, जहाँ से मेन रोड से जो बन रहा है, जहाँ पे चढ़ने के लिए हमें दिया जाएगा, क्योंकि इस एक्सप्रेस वे पर जो ऐसे एक्सप्रेस वे होते हैं इसमें करीबन 300-400 किलोमीटर की पूरी डिस्टेंस में आपको 4 या 5 जगह ही चढ़ने मिलता है, हर जगह से आपको चढ़ने ऐसे एक्सप्रेस वे पर नहीं मिलता है, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और ऐसे एक्सप्रेस वे पर बाइक के भी टोल लगते हैं। अभी दो जो एक्सप्रेस वे हैं लखनऊ से आगरा और यमुना, जो आगरा से दिल्ली है, दोनों पे बाइक के टोल लगते हैं, दोनों काफ़ी लंबा एक्सप्रेस वे है, काफ़ी शानदार एक्सप्रेस वे है और दोनों पे बाइक के टोल कंपलसरी हैं। तो वैसा ही ठीक ये तीसरा एक्सप्रेस वे बन रहा है, जो मुझे लगता है गोरखपुर या मऊ या आजमगढ़ से लखनऊ को कनेक्ट करेगा, तो लखनऊ से आगे है ही है आगरा तक और आगरा से आगे दिल्ली तक है। तो मतलब अगर हमें यहाँ से दिल्ली जाना पड़े तो काफ़ी आसानी से हम पहुँच जाएंगे। दोस्तों ये जगह मुझे बहुत अच्छा खूबसूरत लगता है, आपको भी खूबसूरत लगेगा। चलो मैं आपको दिखाता हूँ आखिर क्यों। ये देखिए दोस्तों मुझे आपके बहुत खूबसूरत इसलिए लगता है क्योंकि ये तालाब कितने बेहतरीन दिख रहा है, देख पा रहे हैं आप, ये देखिए, और इसके अगल बगल से रोड गए हुए हैं तो काफ़ी खूबसूरत लगता है। जब भी मैं इस जगह पे आता हूँ ना तो यार दिल खुश हो जाता है। ये देखिए इतना बेहतरीन जगह देखने के बाद ना ऐसा लगता है यहीं पर एक घर बनवा लो। देखिए सूरज की रोशनी इस पानी में कितनी खूबसूरत दिख रही है, शायद यही नेचर है। चलिए बाय बाय। मेरे दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं उस हाईवे पे, अगर आप यहां से राइट मारेंगे तो जाएंगे सुल्तानपुर की तरफ, मुझे जाना है लेफ्ट अकबरपुर की तरफ। चलो चलते हैं, ये एरिया का नाम है पीढ़ी। गाड़ी नहीं चल रही भाई, पहले गियर में लगाना पड़ा। दोस्तों मैं जिस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की बात कर रहा था वो यही है, यहाँ से ऐसे गुजरते हुए गया हुआ है, काम चालू है। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन हाईवे बन रहा है, तो ऑब्वियसली जायज सी बात है बहुत ही बेहतरीन है। ये देखिए इसका काम चल रहा है यहाँ पे भी, शायद 6 लेन हाईवे है ये। देखिए केले की खेती, भाई हमारे अम्बेडकर नगर में केले की भी खेती होती है, ये देख लो।
फिर ना कहना कि ये सिर्फ नासिक और भुसावल में ही मिलता है। सॉरी भुसावल में, नासिक में तो अंगूर होता है। साहब बाजार है दोस्तों, जब इस रोड पे आप जाएंगे यहाँ पे आपको आपको जरूरतों के हिसाब से कुछ सामान मिल जाएंगे। अगर आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है तो आपको पंचर वाला खाने पीने से नाश्ता से लेकर के चाय तक वाला आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो डोंट वरी, बिंदास आए इस रोड पे बिना किसी आगे पीछे देख के आना, कोई ठोक ना दे। ठीक, ओके।